जी तो रबड़ी खा के हटे विद गुलाब जामुन, मजा आया, अच्छा लगा। दूसरी बार खाया रबड़ी के साथ ही, पसीने बड़े आ रहे हैं मेरे को, क्या चक्कर है? नहीं भाई नहीं, अब इच्छा नहीं है। नहीं नहीं बेटा, इस तरफ नहीं जाना, तू ही खा क्योंकि तू ही मीठे की शौकीन है, तू मीठा बहुत खाती है। तो अभी भी रबड़ी खा के हटे हम लोग, और रबड़ी खाते खाते पसीना आ गया, तो अब मैं अंदर वाले कमरे में आके बैठ गया हूँ। और आज थोड़ी सी मैंने मूछे जो है नुकीली करी अपनी, ये देखो, तो काफी दिन से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ जाना मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बारिश इतनी हुई, बारिश होने के बाद एकदम धूप निकलना, वो भी एक जैसे बोलते ना मॉइस्चर पैदा करता है। थोड़े बहुत जो है प्लांट लेके आया हूँ, जो प्लांट है मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ लगाऊंगा मैं, वो जो प्लांट है ना वहाँ लगाऊंगा, अपने बिल्कुल घर के सामने जो मैं प्लांट लेके आया हूँ वहाँ लगाऊंगा। थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तो वहाँ लगाया जाएगा, फिर वीडियो बनाई जाएगी और आपको दिखा दूंगा किस तरीके के प्लांट है। चाहे अभी दिखा देता हूँ, बाहर बड़े हुए। क्या बोल रही है? आपको नाम भी पता है? कीड़ू, लक्ष्मण से कीड़ू ही मरते हैं। पाप भी उतना ही कर रही है वो, देखो वो पड़े हुए बाहर, दिखाता हूँ आपको, ये देखो ठीक है। तो ये जो प्लांट है ना ये लगाए जाएंगे वहां पर बिल्कुल बैक साइड में, आपको दिख जाएगा जब मैं लगाना शुरू करूंगा। जैसे मैंने ससुराल में लगाया था ना एक बार पौधा लगाया था, तो सदा बाहर चल रहा, अभी भी चल रहा था, वो निशानियां रहती है। पापा बोलते हैं बेटा आप हमें तब याद आते हो जब हम इस पेड़ को देखते हैं, कहते हैं ये आप लगा के गए थे और अजीब तरीके का वो पेड़ था, मैंने लगाया, मेरे को अच्छा लगा, वो गुब्बारे से फूल जाते, तो मैं लेके आया उसको, मैंने लगाया तो निकल भी गया। इसका मतलब हमारे हाथ जो है लक्की है, मतलब जो हम मिट्टी में हम मिट्टी में सोना भी उगाएंगे ना वो भी उग जाएगा। अब ये बताना इस बात में कितनी सच्चाई है, या मैं फेंक रहा हूँ या तो सच्चाई है भाई, वो भी बताते हैं, ये डायलॉग है क्या है। तो फिलहाल मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में जब मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जब मैं पौधा लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा तो ये लगाएगी, देखते क्या बनता है। फिलहाल थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तब लगाया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, रबड़ी खाइए, थोड़ा सा रबड़ी जो है पचा लेता हूँ, शाम को जो है क्रिकेट खेलने भी जाना है, मौरे को लेके जाना है, मौरे का रूटीन है। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, और मिलते हैं शाम को क्या, अभी मिल जाएंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4:30 हुए, क्योंकि मौरे का जो है ना मुझे कॉर्नफ्लेक्स और दूध देना है, और उसको इस टाइम जब वो उड़ता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है खाना पीना, मतलब बादाम बुदूम वगैरह काजू वगैरह, वो मैं दे देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। खाना तो मैं लेके तो चल रहा हूँ, आपको आ जाओ, चलो चलो तू हो जा, तेरे को क्या आ जाओ, मैं देखूँ जरा आपका कितना कॉर्नफ्लेक्स, चलो चलो। क्या शुशु करना अभी फिर शुशु कर लिया? तो कहाँ रखा है कॉर्नफ्लेक्स आपने? आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नफ्लेक्स कहाँ रखा हुआ है। और बेटा ये रिमोट ना फेंको, ये काम का रिमोट है, क्यों अपनी चीजों को आप नुकसान करने में लगे हुए यार? हाँ मेरे पास ही है। पहले बताओ कहाँ है कॉर्नफ्लेक्स, कहाँ रखा है मम्मा ने कॉर्नफ्लेक्स? इधर है, हटो जरा, इधर, इसमें कॉर्नफ्लेक्स। अच्छा आपको पता है इसमें कॉर्नफ्लेक्स? अच्छा ओके, वाशु, वाशु भी खाता था इसको, इसको वाशु भी खाता था। ओके ओके ओके, मैं देता हूँ कॉम्प्लेक्स, जरा लो आपको कॉम्प्लेक्स देता हूँ। पहले दूध के साथ देते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, दूध के साथ देते हैं? हाँ। मैंने सोचा इसको ऐसे ही खाते हैं पापा। अच्छा इसको दूध के साथ खाते हैं? ओके मुझे पता, हाँ हाँ मुझे पता नहीं था। अच्छा मुझे नहीं पता था आप दूध के साथ खाते हो, ठीक है पापा, ठीक है मैं देता हूँ। और किस में खाओगे? हाँ आपको मग में दूँ, इसमें दूँ? चलो ठीक है, लो मैं इसमें डालता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स। हाँ नहीं इसमें तो बेटा वो रबड़ी पड़ी हुई, गुलाब जामुन पड़ा हुआ है। हाँ मौर्या ये तो मैंने इस पर डाल दिया है, अब इसमें क्या डालूं? अरे ऐसे तो इसमें अब क्या डालूं मैं? दूध। अच्छा दूध डालता हूँ इसमें, लो जी दूध डालो भाई इसमें, अब मौर्य बोल रहा है इसमें दूध डालो। हैं दूध है बेटा? ओ पड़ा पापा दूध, दूध तो है पापा, क्या कप? हाँ कप। अच्छा लो पकड़ो उसको, अब इसके साथ स्पून भी दूँ? रुको
आपको स्पून भी देता हूँ मैं, ठीक है पापा? नहीं ताता ये दूध, चलो चलो अब चलो कहाँ बैठ, अब आप इसको कहाँ बैठ के खाओगे, पहले रूम में बैठो। ओए नीचे गिर रहा, नीचे गिर रहा बेटा, नीचे गिर रहा, देख तो ले मोरी, चलो इधर इधर चलो, गंदा हो जाएगा। अच्छा यहाँ गंदा हो जाएगा, इधर आ जाओ फिर। अच्छा यहाँ गंदा हो जाएगा, चलो परे चलो, ये बोल रहा है कि यहाँ गंदा हो जाएगा, चलो उधर चलो फिर, मेरा नीचे नहीं गिराना बस। हाँ चलो चलो बैठो बैठो बैठो, यहीं बैठो यहीं बैठो, यहाँ बैठना आपने, लो बैठ के खाओ आराम से। अच्छा बैठो नीचे बैठो, हाँ टीवी, अच्छा टीवी देख के खाओगे, ओके ये बोल रहा है कि टीवी देख के खाना है, ओके पापा। आपने रिमोट कहाँ रखा हुआ है? अच्छा आप टीवी देख के खाते हो, और बोलो भाई साहब, है ना, गंदा बच्चा नहीं बनना, ठीक है बेटा, है ना, हाँ अच्छे बच्चे बनना है, गंदे बच्चे नहीं बनना, ठीक है। हाँ ये देखो जी मोरे के काम, मोरे को लेके आया हूँ मैं पुलिस ग्राउंड सोलन में, और इतने टाइम से दुखी कर रहा है मेरे को, और देखो क्या लगाओ करने, देखो ये निशाने मार रहा है, यहाँ से उठा के वहाँ ऐसे निशाने मार रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से बिल्कुल नीचे, ये है आपका मंडी, सोलन की सबसे बड़ी मंडी है ये, मतलब ठीक है। अभी आजकल टमाटर का सीजन चला हुआ, आप देख सकते हो वहाँ टमाटर है, और ठीक है, और इसके बिल्कुल साथ ही आपको दिखेगा पुलिस लाइन, इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है। तो डेली हम लोग शाम को 5:30 या 6 बजे जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं मोरे के लिए, और मैं अपना जो है क्रिकेट लेके आया हूँ यहाँ पर बैट, अभी काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे, देखते हैं अभी कितने लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ से हम लोग खेलना शुरू करते हैं इधर से, और वहाँ से बॉल होनी शुरू होती है। वैसे तो वहाँ नेट भी लगा है, नेट में भी हम लोग ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब लोग कम हो, स्ट्रेंथ कम हो, तो हम यहाँ, मतलब यहाँ वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा कम हो ना वहाँ हम खेलते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो हम यहाँ से खेलना शुरू करते हैं। तभी कुछ ने आना है कुछ ने नहीं आना है, और वहाँ है कैंटीन, ठीक है, उधर कैंटीन है, इसके पीछे कैंटीन, सॉरी इसके ऊपर जाके वहाँ कैंटीन है, यहाँ जिम है, और नई गार्ड तो बनी है लड़कियों के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ कैंटीन भी है। एक एक आपको टेनिस का एरिया देखेगा, ओ भाई इतने बड़े बड़े पत्थर मत मार, वहाँ आपको टेनिस का देखेगा, ठीक है, लोल टेनिस है शायद वो, और ऊपर भी टेनिस है, रैकेट का भी है, काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ है, ये बास्केटबॉल एरिया है वाला, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस, काफ़ी अच्छा कर रखा है पुलिस लाइन ग्राउंड, मतलब और बिल्कुल बीच में पिच है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जितने भी भर्तियां आती हैं ऑलमोस्ट यहाँ सोलन में होती है, कई बार फॉरेस्ट की भी होती है, जेल पुलिस की होती है, पुलिस की भी अपनी होती है, तो सबसे मतलब मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी केयरिंग करी है इस लाइन में, मतलब इस ग्राउंड की, तो अक्सर हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर पुल ऊपर है आपका, ठीक है। देखो जो भी मिलता है तो सबको मामू ही बोलता है, ऐसा क्यों भाई है मोरी? ओ भाई इतने ज़्यादा मत करो। तो मैं आपको दिखा रहा था ये है मंडी, और बिल्कुल सामने बिल्कुल सेम मंडी है, वहाँ से सेम मंडी शुरू होती है, और ये पूरा सोलन आप देख सकते हैं, रिबॉन रिबॉन तो दिखता लेकिन सोलन दिखना आपको यहाँ से। अभी कुछ हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, और वो नया नया जो है ना वहाँ पर वॉलीबॉल का वो लगा हुआ है उधर, वो खड़ा बिल्कुल सामने, ये पोल लगा वॉलीबॉल का, नया नया एरिया बनाया, मतलब बन चुका है, पहले भी था लेकिन अब गेम खेलना यहाँ स्टार्ट हो चुकी, काफ़ी गेम्स हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है इस एरिया में। सबसे बड़ी बात है कि मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पर। तो अच्छा यार मोरी ऐसे मत कर यार, वो देखो मामू आ गए, मामू मारेंगे नहीं तो आपको, कौन है ये? देखो जो भी दिखता सबको मामू ही बोलता, तू क्या चक्कर है, तू ऐसे क्यों बोलता है बेटा, ऐसे क्यों बोलता है? नहीं अब नहीं, अब चलो, अब मैंने वहाँ चलना, अब मैंने वहाँ चलना, अब हमने क्रिकेट खेलना है, मुझे खेलना। क्या मुझे खेलने? यहाँ खेलेगा? हाँ। बंदे इकट्ठे हो जाए थोड़े से, है ना, बंदे इकट्ठे नहीं हुए वे। और अभी मैंने गोगे भाई को फोन तो किया है, बस आ रहे हैं अभी, देखते क्या बनता है। मौरी ये कौन है? सबको मामू बोलता है ये। मामू ही बोलता है सबको ये।